हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ही सरस्वती पूजा, और सरस्वती पूजा के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और सरस्वती माँ सबके बच्चों पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखे, सबके बच्चों को भर भर की विद्या दे, सारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे बने। तो आज का शुरुआत हुआ है हमारा सुबह से, और अभी पूजा वूजा होने वाला है। तो पूजा आज हम नहीं करने वाले हैं, पूजा मेरे हस्बैंड करने वाले हैं। तो और हम पूजा के लिए बना भी नहीं रहे हैं, तो वही बना रहे हैं, क्योंकि कुछ कारण है तो हम नहीं बना पा रहे हैं और ना ही हम पूजा कर पा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। चलिए हम दिखाते हैं मेरे हस्बैंड क्या बना रहे हैं। देखते हैं कि हमारे हस्बैंड क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? इधर देखिए, आज सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा के लिए आज मैं कुछ भोग बना रहा हूँ। मैडम नहीं बना रही है इस कारण से, लेकिन आज मैं बनाऊंगा। देखिए क्या मैं बना रहा हूँ भोग लगाने के लिए। तो दिखाते हैं, ये क्या है? ये नारियल का क्रश किया है ना, कद्दूकस किया है, और किसमिस, और ये केला और दूध है ना, केला दूध है, और ये इलायची इसमें डाले हैं, डाल दी इसमें। ये है मैदा, और इसको दूध में घोले है ना, चीनी और छोटी इलायची डाले है ना। और ये सब कब डालिएगा? ये बस अभी मिलाएंगे। तो चलिए मिक्स करिए। ये देखिए यहाँ हमारा तेल गरम हो रहा है, तेल नहीं है सॉरी रिफाइन है, और हम लोग राइस ब्रान का रिफाइन यूज़ करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारा तेल गरम हो रहा है, ये गया हमारा पहला पुआ। देखिए पुआ बनता है, इसका खुशबू इतना अच्छा लगता है, पूरा घर में फैल जाता है खुशबू, है ना, और होली का याद दिलाता है। ऐसे तो हम लोग बना के खाते ही हैं जब भी मन करता है तो, लेकिन पुआ बने तो होली की याद जरूर आ जाती है। और पता नहीं ये बात कितना सच है कितना नहीं, लेकिन हमको जहाँ तक पता है तो मेरे यहाँ मम्मी लोग से जानते हैं कि आज के दिन ही बोलता है लोग, आज ही पहला होली है, आज होली का शुरुआत होता है, क्योंकि आज सारे भगवान लोग को अबीर गुलाल चढ़ता है। और बैर, पुआ, गाजर, फल में आपको जो भी हो, संतरा हो, अंगूर हो, जो भी हो, इन सब चीज़ों का भोग लगता है। तो हमने भी मंगाया है सारा फल वगैरह, मिठाई उठाई सब, और एक घर का पकवान भी बनाया हुआ होना चाहिए, तो इसलिए हमने पुआ बनाया है। इस बार नहीं, ये मेरा हर साल का रूटीन है। तो हमारा पुआ बन रहा है, और आप बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, आपको दिखाएंगे पूजा वूजा होगा तो। तो ये निकल चुका है हमारा पहला पुआ, बाकी अब बनते रहेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में, बाकी पूजा वूजा करते हैं तो आप सभी को दिखाते हैं। ये हमारी परी भी उठ गई हैं, देखिए आ गई हैं पापा के पास पूजा करने, और यहाँ हो रहा है पूजा। ये है बनाया हुआ पुआ भोग लगाने के लिए, नीचे है लड्डू, और ये देखिए ऊपर लड्डू का भोग लगा है, तुलसी दल है, और दिया बत्ती जल रहा है, और यहाँ क्या क्या है, तो ये सब भोग है, उसमें नहीं पुआ चढ़ाया है, हाँ पुआ सबको चढ़ाइए सब। हाँ ये अबीर का टीका लगा रहे हैं, देखिए गाइस, क्योंकि आज अबीर का टीका लगाते हैं हमारे यहाँ, तो सबको अबीर का टीका। ये हमारे लड्डू गोपाल जी मेरे प्यारे क्यूट से लगते हैं। ये यहाँ रख दीजिएगा तो वहाँ खाली हो जाएगा ना लगाने के लिए।
ऊपर हाथ तो नहीं जाएगा, लेकिन बड़ा अच्छा खुशबू दे रहा है ये वाला अगरबत्ती। इस बार दूसरा लाया है नहीं, कौन सा है, जेड ब्लैक 3-in-1। ये तेल का डिब्बा हटाइए वहाँ से, नीचे रखिए ना टेबल पे सब रखिए। यहाँ क्या है गाइस कि छोटा सा रैक दिया है तो थोड़ा सा सामान वामान रखने में दिक्कत होता है पूजा का, लेकिन अब क्या करें, जो है जितना है उतना में ही करते हैं। अगर हम मंदिर अलग से लेके खरीद के रख भी लेते हैं तो बच्चे सब नीचे सब खराब करके रखेंगे, लेके इधर उधर भागेंगे, इस वजह से हमने ऊँचे रैक पे कर दिया है। तो बस ये है हमारा पूजा का छोटा सा जगह, जो हमने इधर साइड में थोड़ा सा इधर कुछ सामान है पूजा का। इस डब्बे में मैक्सिमम सारा सामान हम इस डब्बे में रखते हैं, किसके क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्लॉकेज बने हुए हैं बॉल टाइप के, और वो बिस्लेरी का बोतल पानी नहीं है, वो गंगा जल है। वो गंगा जल वाला गैलन जो छोटा सा था वो टूट गया था तो गिर रहा था, इस वजह से हमने उसमें रख लिया है। ये हमारा छोटा सा एक बालकनी है जहाँ मैंने डस्टबिन रखा है, और एक टब में पानी रखते हैं क्योंकि बच्चा सब छोटा है तो खाना वाना खा के यहीं पे हाथ धोता है। बेसिन तो है लेकिन इतना ऊंचा उन लोगों का हाथ नहीं आता है, और ठंड का टाइम है तो यहाँ पे हम उन लोगों को नहवा भी देते हैं। और ये आ गए हैं पूजा करने के लिए, तो यहाँ है हमारी तुलसी जी, और यहाँ हमारे शिव जी। तो गमला उधर घूम गया है क्या, थोड़ा सा उधर हम भोलेनाथ जी को कर दिए हैं, आप यहाँ करना था। अच्छा ये झंडा लगाते टाइम घूमा होगा। छोटा सा केला का पौधा रखा है पूजा करने के लिए, और ये यहाँ भोग लग रहा है, बाकी इसमें है अबीर, अभिषेक हो रहा है। ओम नमः शिवाय। तो हो गया हमारे यहाँ पूजक संपन्न। यहाँ खड़े होकर देख रही हैं कि पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज का हमारा ये ब्लॉग अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक कमेंट शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बस इतना ही। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या बोले, लेकिन प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, हमारा ब्लॉग भी देखिए, हमारा शॉर्ट वीडियो तो आप लोग देखते ही हैं, हमारा ब्लॉग भी देखिए। हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, जो भी छोटा सा हम बनाते हैं घर में ब्लॉग वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। बाय बाय।